260mm के ABS के साथ QJE मोटर्स की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, कोई वाइब्रेट नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, विंड रेयर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडलबार्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडलबार्स मिल जाते हैं। बाकी ऐसे से कुछ इसके साइड से लुक है, टेलीस्कोपिक फोक्स है इस वाले और डुअल चैनल ABS तो आता ही है इसमें। बाकी टायर वगैरह बता दिया जाता है। बाकी इसका जो कवर वेट है करीब वो 191 kg के आसपास है, अच्छा रखा गया है। और सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये आपकी अभी आपने मैंने की वो देखा होगा QJE मोटर्स की SRK 400। अब ये है R400, मतलब उसी का वो SRK 400RR, मतलब एक तरह से जो मतलब वो नेकेड थी, ये फुली फेड वर्जन है। इंजन वगैरह सब कुछ स्पेसिफिकेशन सेम है। बाकी मैं बताऊंगा ज़रूर फिर भी कि कोई भाई ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसके लिए बताना ज़रूरी है। बाकी ऐसे से कुछ लुक है, फुल बिग बाइक वाली फीलिंग है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया लग रही है फुल बिग बाइक के हिसाब से। आप देख सकते हैं क्या खतरनाक लुक रहा है। अब जैसे इसमें इसके लुक के हिसाब से आप देखो टायर छोटे नहीं लग रहे, उसके लुक के हिसाब से टायर छोटे लग रहे थे, ठीक है। टायर साइज हाँ एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। बाकी आप स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, फिर उसके बाद आपको बताते हैं क्या चीज़ है, नहीं है, नहीं है, है कि नहीं, वही कहूँगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी अगर फ्रंट से बात करते हैं, यहाँ पर आपको दोनों फ्रंट में आपको LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं, हाँ हाई बीम लो बीम के हिसाब से। USD फॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिस के टायर मिल जाते हैं, जिसमें 110/70/17 के टायर मिल जाते हैं। आपको डुअल आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं 260mm के ABS के साथ। QJE मोटर्स की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, कोई वाइब्रेट नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। विंड स्क्रीन की साइज़ अच्छी रखी गई है, डिस्क से बहुत बढ़िया ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे रेयर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडलबार्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडलबार्स मिल जाते हैं। बाकी ऐसे से कुछ इसके साइड से लुक है, ग्रे ब्लैक और रेड से मिक्सचर किया गया है और ऊपर थोड़ा सिल्वर भी है, अच्छा लग रहा है मिक्सचर और मिक्सचर है। बाकी जो इसका टैंक साइज़ है वो भी सेम ही है, इतना ही थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा है। उसको 13.5 था, इसका 14.3 है, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी यहाँ से कुछ फुली फेड बाइक है, पूरी नीचे तक जा रही है, अच्छी वो है। बाकी लिक्विड कूलिंग के साथ तो आती है, जो इनलाइन 2 है, 8 वेल लिक्विड कूल, 4 सिलेंडर, ये 2 सिलेंडर तो बताया, 12 सिलेंडर 8 वेल लिक्विड कूल 400cc बाइक है, जिसमें 41 bhp की पावर है, 37 Nm का टॉर्क निकालती है। जो 41 bhp की जो पावर है, वो जो पीक जो पावर आती है वो 9000 rpm तक कंप्लीट आ जाती है। जो पीक टॉर्क आती है वो 37 Nm, वो आपको 7500 rpm के अंदर सारी की सारी आ जाती है, बहुत बड़ी चीज़ है। और जब वो है आपका रेयर का जो आपका वो है डिस्क का साइज़ है, वो आपको 240mm मिलता है, मतलब फ्रंट के बराबर ही, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ्रंट 260 मिलता है, रेयर आपको 240 मिलता है। बाकी आपको यही जो एग्जॉस्ट के 2 पाइप्स है वो आपको यहाँ पे वो मिलते हैं, अंडरबेली के साथ मिलते हैं। और बाकी जो ये है पीछे का आपको एग्जॉस्ट, इसमें आपको पीछे का जो वो है सस्पेंशन है अंदर की साइड मिलेगा, इसमें उसमें ऐसे था, ऐसे टाइप में था उसमें, इसमें ऐसे मिलेगा। जो वो है अपना कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम टेलीस्कोपिक फोक्स है इस वाले और डुअल चैनल ABS तो आता ही है इसमें। बाकी टायर वगैरह बता दिया जाता है। बाकी इसका जो कवर वेट है करीब वो 191 kg के आसपास है, अच्छा रखा गया है। और सीट हाइट भी अच्छी रखी गई, 790 है, बहुत अच्छी है वो सीट हाइटिंग है, मतलब किसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से इसके हैंडल बार का साइज़ है ना, हैंडल बार की जो हाइट है वो भी बहुत अच्छी रखी गई है, जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, R5 वगैरह की तरह ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, आराम से आप इसमें टूरिंग वगैरह कर सकते हो। 40.3 लीटर्स की वो टैंक कैपेसिटी है, तो अच्छा खासा 280-300 किलोमीटर्स का और आराम से ये रेंज दे देगी, अगर आप सेंसिबली 100-120 में अगर इसको आप क्रूज़ करते हैं तो। बाकी इसके टेल लैंप्स में थोड़ा डिफरेंस है, उसकी T टाइप थी, इसकी थोड़ी अलग है। बाकी LED इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, ठीक है। सीट्स वगैरह वैसी ही हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, वही सीट की स्पेस वगैरह उतनी है, बट यहाँ पे थोड़ा पीछे तक ये पैनल दे दिया है तो थोड़ा है। बाकी डैम्प्स वगैरह वो सेम ही है, जैसे उसमें थी वैसे इसी में है, इसमें है, ठीक है। और जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले भी सेम की सेम है, बट इसमें है कि आपको चार्जिंग सॉकेट अलग से मिल जाता है, आप देख सकते हैं, चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। डिस्प्ले वही सेम की सेम है, जब कुछ सारा सेम है। ठीक है, बट यहाँ पे शायद आपको कुछ सिलेक्टर्स वगैरह का ऑप्शन अच्छा ज़्यादा मिल जाता है। उसके बारे में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। बाकी QJE मोटर्स की तरफ से आपको टायर वगैरह का सारा कुछ कंट्रोल वगैरह सब कुछ लिख जाएगा। बट QJE मोटर्स में एक चीज़ लिखा हुआ दिखा है, देखो मेड इन चाइना। अब वो आप लोगों पर है कि आप ये क्या चाइना का माल या क्या बोले। देखो हम लोग, मैं तो अब क्या ही बोलूँ, अब मेरे पास तो गाड़ियाँ आई हैं तो मेरे को आप लोगों के लिए डिटेल लानी है। मैं जो ब्लॉग नहीं बोल सकता वीडियो में ऐसा कुछ, बट मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अब इन्होंने लिखा है, अब कंपनी के बारे में देखते हैं कैसा रहता है रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ। वैसे व्हीकल्स अच्छे बनाए हैं इन्होंने, अब रेट्स भी ठीक ठाक ही रखे, थोड़े ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो 3.67 है, 69 है एक शोरूम, ये अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के आसपास है एक शोरूम। ठीक है, अब बाकी देखते हैं कैसा रहता है इसका रिस्पांस, कैसा नहीं रहता है सब कुछ। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे बताइए इस बाइक से रिलेटेड, इस बाइक आप देख के आपको कैसा लगा, नहीं लगा। ठीक है, और मिलते हैं आपको नई नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों और घर वालों के साथ। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।